टीम इंडिया पहुंच चुकी है मुंबई एयरपोर्ट। ये शानदार तस्वीर और इस्तकबाल होगा आज, ऐसा होगा जो हमारी टीम इंडिया ने करके दिखाया है इतने बड़े दिनों बाद। आज मुंबई के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, आज अपने हीरो के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं और आज का दिन कोई ऐसे ही खास नहीं है। शानदार, अद्भुत, और जो तस्वीरें भी कुछ देर में आपके सामने आएंगी वो तस्वीरें मैच जीतने वाले जितनी ही खास होंगी। हालांकि मैच जीतने का जो अवसर टीम इंडिया ने प्रदान किया है, आपको बता दें मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई टीम जा रही है और टीम का विक्ट्री परेड होगी। जी हां, विक्ट्री लैप होगा। मैरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक ये टीम इंडिया निकलेगी और भव्य स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सारी सड़कें मैरीन ड्राइव की एक तरह से हमने आपको दिखाई भी थी, पूरी सड़कें क्रिकेट प्रेमियों से, क्रिकेट प्रशंसकों से अपने हीरोज का स्वागत करने के, उनके इस्तकबाल करने के लिए बड़े हुजूम के साथ उमड़ी है। एयरपोर्ट से आते हुए बाहर, मुंबई एयरपोर्ट से जब टीम बाहर आई तो एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी, और चेहरे पे मुस्कान देखिए, मुंबई आया है रोहित शर्मा, अपने घर वापस लौटे हैं और इस बार घर वापस लौटे हैं कप लेकर, वर्ल्ड कप लेकर। और ये वर्ल्ड कप का आज ऐसा ऐतिहासिक दिन, भारतीय टीम ने मुकाबला भले ही चार दिन पहले जीता हो लेकिन आज अपनों के बीच आकर, क्योंकि कहते यही है कि दुख और सुख जब अपनों के साथ मिलकर बांटते हैं तो खुशियां चार गुना हो जाती हैं, दुख आधे रह जाते हैं। और यह सुख का मौका है, यह खुशी का मौका है। ये इस बस से अब रवाना होते हुए टीम इंडिया के जाबाज खिलाड़ी अपने परिवार के साथ हैं और टीम इंडिया विक्ट्री परेड में शामिल होगी। मैरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक, वानखेड़े स्टेडियम भी फुल पैक्ड है, पूरी तरह से भर चुका है और वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया जाएगा। 2023 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मुकाबले में अहमदाबाद में टीम इंडिया फाइनल में आखिरी मौका भले ही चूक गई हो, अहमदाबाद में वो मुकाबला ना जीत पाई हो, लेकिन उसकी कसक टीम इंडिया ने 7 महीने के अंदर पूरी कर दी। हां, वर्ल्ड कप का ये इंतजार 2011 के बाद 13 साल बाद पूरा हुआ है। 2011 में जहां वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये इंतजार जो था वो पूरा हुआ है। अब जश्न का वक्त है, अब खुशी का वक्त है, आपस में मिल बैठकर झूमने का वक्त है। और मुंबई में पूरी स्थिति देखी जाए तो चाक चौबंद की गई है, पुलिस की तरफ से प्रबंध जबरदस्त किए गए हैं क्योंकि सड़कों पर हुजूम उड़ा हुआ है
आज का दिन ऐतिहासिक है। सड़क पर अगर मैरीन ड्राइव के किनारे हम देखेंगे तो तिल भर रखने की जगह वहां पर नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें, और एयरपोर्ट से बाहर आते हुए टीम के कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया बाहर निकलती हुई दिखाई देती हुई। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको अपने आवास पर बैठाया गया। तो मुंबई में आगमन हो चुका है टीम इंडिया का। टीम इंडिया की जाबाज खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर कैसे स्वागत हुआ आप ये देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर जब लैंड किया, दिल्ली से मुंबई के एयरपोर्ट पर भारतीय टीम को लाने वाले एरोप्लेन ने जब लैंड किया तो उसके आगे तिरंगे झंडे के साथ ये तीन, एक तरह से कहें कि एस्कॉर्ट वाहन आते हुए टीम इंडिया का इस्तकबाल इस अंदाज में किया गया। ये तस्वीर ये दर्शाती हुई टीम इंडिया का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप पहुंचे हैं वतन में वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में लेकर। अलग अलग तस्वीरें आपको जिस तरह से हमारे अलग अलग सोर्सेज से आती रहेंगी दिखाएंगे। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी इस वक्त टीम इंडिया के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े तक विक्ट्री परेड इंडियन टीम की होगी और इस विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए। और आप देखिए, याद आ रहा है 2011 से पहले जब 2007 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुछ इसी अंदाज में टीम इंडिया की तरफ से विक्ट्री परेड की गई थी और उस दिन भी बरसात हुई थी। 2007 में जब विक्ट्री परेड टीम इंडिया की मुंबई में हुई थी तो बारिश बरसात उस दिन भी हुई थी और आज भी यहां मुंबई में छाता लेकर आए हुए हैं लोग और साफ तौर पर इंद्रदेव भी मेहरबान और आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद चूंकि एयरपोर्ट से रवाना टीम इंडिया हो चुकी है, ये तस्वीर आप देखिए कितना बड़ा जमावड़ा, तिल भर रखने की जगह नहीं है। समंदर एक तरफ आप देख रहे हैं पानी का, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस का, भारतवासियों का, मुंबईकरों का भी समंदर और सैलाब आपको नजर आ रहा है। तो एक साथ दो सैलाब, दो समंदर, एक तरफ पानी का समंदर तो दूसरी तरफ क्रिकेट प्रेमियों का समंदर इंतजार कर रहा है इस्तकबाल करने के लिए कि हमारे हीरो कब पहुंचेंगे। और ये सड़क पर जाम कहें, ये आज इस जाम से कोई अगर मुसीबत में होगा तो उसके अलावा किसी को भी शायद इस जाम से आज परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो जानते हैं कि ये जाम लगा इस वजह से है कि टीम इंडिया इस रूट से निकलने वाली है वानखेड़े स्टेडियम में भी, जहां ये विक्ट्री परेड करते हुए संपन्न होगा। ये विक्ट्री परेड टीम इंडिया का वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा टीम इंडिया का, सभी खिलाड़ियों का, और वानखेड़े स्टेडियम भी फुल पैक्ड इस वक्त हो चुका है। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर जब टीम इंडिया पहुंची तो वहां भी टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। हर तरफ आप देख सकते हैं मुंबई तैयार है, मुंबई आतुर है, मुंबई इंतजार में है अपने क्रिकेट हीरो का। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह से मुकाबले में हराया था और जो जीत दर्ज की थी, अब अपने हीरो का इंतजार लगातार टीम इंडिया की तरफ से किया जा रहा था। ऋषभ पंत देखे जा सकते हैं, टीम के जो और बाकी सदस्य हैं, कोचिंग स्टाफ हैं,
वो भी देखे जा सकते हैं। सभी भी इस इंतजार में, वहां CISF का पहरा तगड़ा है। ये कोशिश की जा रही है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीम इंडिया अपने आप पहुंच जाए। ये हालांकि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और एक तरफ टीम इंडिया का आगमन हो चुका है, मुंबई एयरपोर्ट पर बस में बैठकर रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैरीन ड्राइव में पूरी तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है क्रिकेट प्रेमियों का। हर जगह नज़र डालें दूर दूर तक तो क्रिकेट प्रेमी और तिरंगा झंडा लिए हुए अपने हीरोज़ का इस्तकबाल करने के लिए सड़क पर उतरे हुए, इंतज़ार इस बात का है। विक्ट्री परेड होगी, गुजरेंगे जब टीम के 15 खिलाड़ी जाबाज और ट्रॉफी उनके हाथ में होगी, दीदार करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे, क्रिकेट प्रेमियों को खुशी का ये अवसर, ये मौका दिया टीम इंडिया ने। तो T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया पहुंच गई है, मुंबई पहुंच चुकी है। दिल्ली सुबह पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और अब मुंबई पहुंच गई है। कुछ ही देर में नरीमन पॉइंट पर विक्ट्री परेड शुरू होगी, हजारों की संख्या में फैंस अपने क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं, झूम रहे हैं। एक बार फिर से वही दिन एक तरह से कहीं की लौट आया है जब भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। पूरे देश में हमने देखा था कैसे जलसा खुशी मनाई गई थी लोगों की तरफ से, रात भर वो जश्न चला था। और अब चूंकि हमें ये खुशी देने वाले हमारे चहेते क्रिकेट प्रेमी वापस आ चुके हैं, लौट चुके हैं, वतन वापसी इनकी हुई है, तो इनके इंतजार में अभी स्वागत की तैयारियां पूरी की गई। प्रधानमंत्री ने आज सभी का स्वागत किया, सबसे चर्चा की, और दूसरी तरफ अब जैसा कि प्लान बनाया गया था उसी के मुताबिक मुंबई में इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए हैं। वैसे आपको जैसे हमने जानकारी दी है कि हजारों की संख्या में फैंस अपने क्रिकेट का स्वागत करेंगे, नरीमन पॉइंट्स पर विक्ट्री परेड शुरू होगी और इसके साथ ही वानखेड़े स्टेडियम, ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विराट कोहली आप देख सकते हैं बस में जब बैठे, जब एयरपोर्ट से रवाना होने के लिए तैयार, और बारिश के बाद भी 3 किलोमीटर लंबे नरीमन पॉइंट पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। यानी 3 किलोमीटर लंबा ये नरीमन पॉइंट है जहां पर पैर रखने तक की अब जगह नहीं बची है। सभी को मालूम है कि यहीं से काफिला गुजरेगा टीम इंडिया का, यहीं से उनके हीरोज गुजरेंगे, यहीं पर मौका मिलेगा उनको धन्यवाद देने का और उनको शुक्रिया अदा करने का, उनके साथ ये एहसास जताने का कि आपके साथ इस पल में हम साथ हैं, आपने जो गौरव का अवसर हमें प्रदान किया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। इस बीच कई फैंस टीम इंडिया की टी शर्ट में भी नजर आ रहे हैं, फूल और ढोल नगाड़े लेकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए, गाने बजाने का दौर चल रहा है, टीम इंडिया को चीयर अप किया जा रहा है, टीम इंडिया की खुशी में लोग झूम रहे हैं। अभी फिलहाल भारतीय खिलाड़ी मुंबई एयरपोर्ट से निकले हैं और खिलाड़ी कुछ देर आराम करने के बाद नरीमन पॉइंट पहुंचेंगे और यहीं से खुली बस में सवार होकर 2.2 किलोमीटर यानी 200 मीटर का सफ़र वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन बस में विजय जुलूस के तौर पर शुरुआत करेंगे, पहुंचेंगे और इसके बाद स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को BCCI की तरफ से जो ऐलान किया गया था 125 करोड़ रुपए का, वो जो ऐलान था सभी भारतीय क्रिकेट टीम को, सभी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को 125 करोड़ के जो इनाम, पूरी टीम के मैनेजमेंट के लिए इनाम की घोषणा की है, सभी को दिया जाएगा। अभी ये बस रवाना हो चुकी है एयरपोर्ट से और जैसा हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट से टीम इंडिया रवाना हो चुकी है, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर ओपन बस में विजयी जुलूस निकलेगा, विक्ट्री परेड टीम इंडिया की निकलेगी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, झूमते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे इस वक्त मुंबई, मुंबई कहते हैं कि मुंबई थमती नहीं है, मुंबई रुकती नहीं है, मुंबई हमेशा चलती रहती है। लेकिन आज नरीमन पॉइंट पर, मरीन ड्राइव पर मुंबई को देखकर कौन क्या कह सकता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। एहसास एक ऐसा, चूंकि ये जो खुशी मिली है कि लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया ने जिस शानदार तरीके से एक डिजर्विंग विन हासिल की है, एक
ऐसी जीत हासिल की है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। कितनी नजदीक आकर बार बार टीम इंडिया चूक रही थी वर्ल्ड कप में, और आखिरकार भारत की धरती पे ना सही लेकिन विदेशी सरजमी पर तिरंगा लहराया है, मैदान में तिरंगा लहराया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। और अब ये तिरंगे लहरा रहे हैं मुंबई में, हिंदुस्तान में, और इस्तकबाल हमारे उन जांबाज खिलाड़ियों का जिन्होंने 150 करोड़ लोगों को खुशी का अवसर दिया। याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान उस जीत को, याद रखेगी आज की ये जनरेशन, और बताएगी कि जब 2024 में टीम इंडिया ने वो मुकाबला जीता था तो कैसे रात भर हमने जश्न मनाया था, कैसे हमने मुंबई में टीम इंडिया के विक्ट्री परेड का हिस्सा बनकर इतिहास बनाया था। और कुछ ही देर में ये विक्ट्री परेड शुरू होगी। स्वागत को देश तैयार है, स्वागत को मुंबई तैयार है। अमूमन हम इस तरह के उत्साह, इस तरह की भीड़ तीज त्यौहार पर भी देखते हैं, लेकिन आज का भी दिन किसी त्यौहार से कम नहीं है, आज का भी दिन किसी पर्व से कम नहीं है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप का सपना पूरा करके, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर भारत पहुंची, हिंदुस्तान पहुंची, और अब वक्त आया है टीम इंडिया जिसको पसंद करती है एक एक खिलाड़ी को, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी का योगदान शानदार यहाँ, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, किसी को भी भुलाया नहीं जा सकता, एक एक खिलाड़ी का योगदान रहा। मुंबई के नरीमन पॉइंट से विक्ट्री परेड की शुरुआत होगी। ये बड़ा व्यू आप देख रहे हैं, ये देखिए एरियल व्यू न्यूज 18 के कैमरे की नजर से, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें और ये जश्न। अपने आप को जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप खुद को भी मुंबई में ही टीम इंडिया को सेलिब्रेट करते हुए, चीयर करते हुए पाएंगे। इन तस्वीरों को देखिएगा, और जब ये विक्ट्री लैब, विक्ट्री जुलूस निकलेगा, विक्ट्री परेड टीम इंडिया की होगी, तो फिर आपको ये पल पल की तो तस्वीरें हम लगातार दिखाते ही रहेंगे। और अभी क्या स्थिति है, अभी किस तरह से इंतजार किया जा रहा है, सबको पता है। एक ओपन बस में टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां से गुजरेंगे, टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां से गुजरेंगे, ट्रॉफी उनके हाथ में होगी, वो ट्रॉफी जिसके लिए दर्जन भर से ज्यादा टीमों ने एक महीने तक कड़ी मशक्कत की, और एक महीने की कड़ी मशक्कत के बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज कराया है। एक अविजय रही है, अविजित टीम रही है, एक भी मुकाबला, एक भी मैच टीम इंडिया ने नहीं गंवाया है, और इतिहास के पन्नों में यह एक उल्लेखनीय अक्षरों में दर्ज किया गया है कि एक टीम जो अविजित रही और उसने फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में जीता, ये भारत की टीम ने करके दिखाया। भारत की टीम ने इससे पहले 2023 में वनडे क्रिकेट में भी ये करके दिखाया था, लेकिन अंतिम पायदान पर टीम इंडिया चूक गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम 2023 के वनडे में सारे मुकाबले जीतते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जब मैदान में उतरी तो उम्मीद सबको यही थी कि जो टीम अजय रही है वो ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे। हमें याद है वो